धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना, और आज जो चीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर आपके और आपके पार्टनर के लिए। वो एक क्या चीज है जो कि हम हमेशा चाहते हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे पार्टनर को और हमारे रिलेशनशिप को किसी की नजर ना लगे, है ना। हर बार जब भी कोई भी आपको कुछ कहता है कि आपका पार्टनर कितना अच्छा है, या फिर आपका पार्टनर जो कितना ऐसा है, यू नो, बहुत केयरिंग है, और इसके बाद तुरंत ही शायद आपके और आपके पार्टनर के या तो झगड़े हो जाते हैं या कुछ ना कुछ परेशानी वहां पर आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसे नजर लग रही है। अब कैसे इस नजर से अपने रिलेशनशिप को बचाना है, आज खास ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो बड़े नाजुक होते हैं, ऐसे में एक उपाय जो कि आपको करना चाहिए वो है ये कि सोशल मीडिया पर कम से कम 3 दिन के बाद ही कोई भी फोटो या कोई भी ओकेजन का खासकर फोटो से अपडेट करें। जी, कोई भी फोटो जो आपने आज लिया है कम से कम 3 दिन तक वेट करें, और उसके बाद उस फोटो को आप अपलोड करें सोशल मीडिया पर, सबको दिखाएं। इससे आपको नजर जो है वो कम लगेगी, और भी बेहतर, अगर रिश्ता पक्का होने वाला है, आपका रोका होने वाला है या शादी जो है ये होने वाली है, तो भी इसकी इन्फॉर्मेशन 1 महीने बाद ही सबको दें। जी, कम से कम 3 हफ्ते तो आपको रखने ही चाहिए जहां पर ये सारा का सारा ओकेजन जो है वो हो जाए, और उसके बाद आप उससे रिलेटेड फोटोज और उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो बाकी के लोगों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ शेयर करें। दूसरी चीज जो कि आपको करनी चाहिए, व्हेनेवर इट कम्स टू हैविंग यू नो एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी अवे फ्रॉम योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को नजर से अगर आप बचाना चाहते हैं तो बेडरूम पे जरा सा नजर डालिए। आपके बेड को फेस करते हुए अगर कोई भी मिरर है, ठीक है, तो उसको तुरंत या तो ढक दीजिए या उसे हटा दीजिए। देखिए, मिरर जो होता है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है बड़ी सारी चीजों को, तो ऐसे में क्या होगा कि मिरर जब भी, ऐसा कहते हैं, माना जाता है कि जब भी मिरर जो है वो आपके बेड को देखेगा, तो वास्तु के अनुसार इसका मतलब ये कि आप कोई थर्ड पर्सन जो है वो आप उस जगह पर इन्वाइट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में बेडरूम से बेड को देखता हुआ अगर कोई मिरर है आपका, बेड को रिफ्लेक्ट करते हुए कोई मिरर है आपका, तो या तो उसे हटा दीजिए या फिर उसको ढक दीजिए कपड़े से। जहां ये तो एक चीज हमने आपको बताई, अब एक और चीज जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नेगेटिविटी ऑल ओवर घर में जो है उसको आप हटा सकते हैं। स्पेशली रिश्ते में भी नेगेटिविटी को हटाता है। आप अपने बेडरूम में सॉल्ट लैंप जो है उसको जलाइए। हिमालयन सॉल्ट लैंप्स जो है ये आपको मिलते हैं, इन लैंप्स को अगर आप जलाएंगे तो ये भी नेगेटिविटी को हटाते हैं। अपने रिश्तों को अगर आप नजर से बचाना चाहते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग उपाय जो है वो मैं इस वक्त आपको बताती हूँ। आपको करना ये है कि अपने पार्टनर का थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र जो होता है उसको एक्टिवेट करना है। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, प्यारा सा इंटीमेट सा है ये सजेशन, तो ध्यान दीजिएगा। आपको आपके पार्टनर के साथ शांति से 2 मिनट बैठना है और उनके माथे को यहाँ पर चूमना है। जी, आज्ञा चक्र जो होता है ना ये प्यार से भी एक्टिवेट होता है, तो ऐसे में अगर आप उन्हें यहाँ पर किस करते हैं तो इससे एक तो आपके आपस का जो एक इंटीमेट रिलेशन है वो बनता है, केयर का जो रिलेशनशिप है वो बनता है, ख्याल का रिलेशनशिप बनता है। साथ ही साथ इससे जब आज्ञा चक्र जो है ये एक्टिवेट होता है तो वो आसपास की नेगेटिविटी जो है उससे भाग पाते हैं, और साथ ही साथ उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं, उससे आपके और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये कुछ उपाय जो है ये मैंने आपको बताए, इनको जरूर कीजिए वैलेंटाइंस डे के अराउंड, और आपके रिश्ते को किसी की नजर ना लगे।